भारतीय हुकूमत के मजालिम कश्मीरियों की आजादी की ख्वाहिश को दबा नहीं सकते क्योंकि जम्मू और कश्मीर के आवाम का पैदाइशी हक हक खुद इरादियत आलमी कवानीन के मुताबिक है। अक़्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे मुनीर अकरम ने कहा है कि कश्मीरी आवाम की अपने हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए जद्दोजहद अब मजीद मुतहरिक और फ़ाल होगी। भारत के मुसलसल मजालिम के जरिए कश्मीरियों की आज़ादी की ख्वाहिश को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने एक बयान में कहा है कि बदलती हुई आलमी और इलाकाई स्ट्रेटेजिक सूरत हाल की वजह से कश्मीरियों के भारतीय तसल्लुत से आज़ादी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने के अमल को पूरा करने की रफ्तार तेज हो गई है। अक़्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफीर ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर के आवाम का पैदाइशी हक हक खुद इरादियत अक़्वामे मुत्तहिदा के मंशूर इंसानी हकूक के बारे में अक़्वामे मुत्तहिदा कन्वेंशन और बैनुल अक़्वामी कानून के ऐन मुताबिक है। उन्होंने कहा है कि इस हक का खास तौर से जम्मू कश्मीर के आवाम से अक़्वामे मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल की मुतअद्दिद क़रारदादों में वादा किया गया है जिन्हें पाकिस्तान और भारत ने भी तस्लीम किया है। मुनीर अकरम ने कहा है कि कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के मुनाफी तनाजे का कोई भी हल कश्मीरी आवाम और पाकिस्तान के लिए काबिले कबूल नहीं होगा।